वालेकुम व्यूअर्स, कलरफुल बर्ड्स एंड एनिमल्स से आज हमारी टीम सर्वे करने आई हुई है। हम टीम मेंबर मैं फराज और आज आपको सोहराब गोठ मंडी लेकर आए हम और मंडी में दिखाएंगे जानवर के किस तरीके के। और ये एशिया की सबसे बड़ी मंडी में शामिल होती है मंडी। और मेरे पीछे भी देख सकते हैं आपको जानवर नज़र आ रहे होंगे। रात 2 बजे का टाइम है और लोग कसी तादाद में लोग आए हुए हैं यहाँ पर, बहुत अपनी फैमिलियों को भी लेकर आए हुए हैं, बच्चों को भी लेकर आए हुए हैं। जैसा कि देख रहे हैं आप, बच्चे और लेडीज़ और ये सारे बच्चे घूम रहे हैं यहाँ पर। और आपको बताएं, इस मंडी में ये ख़ास बात है कि रात 2 बजे आ जाएं, 3 बजे आ जाएं, सुबह आ जाएं, शाम आ जाएं, जिस टाइम भी आएंगे आपको यहाँ पर इसी तरह का रश और मज़ीद बढ़ता हुआ रश नज़र आता रहेगा। चलें अब आपको दिखाते हैं जानवर, आगे चलते हैं। जी जी, व्यूअर्स जैसा कि देख रहे हैं मेरे सामने ब्लैक कलर का जानवर खड़ा हुआ है। ये कम से कम इसके 6 दांत बता रहे हैं यहाँ पर और इसकी मालियत बता रहे हैं इसकी 22 लाख रुपए। माशाल्लाह से वेट में भी बहुत अच्छा है और कलर और खूबसूरती में भी बहुत प्यारा है और बहुत शरीफ जानवर है। जैसा कि देख रहे हैं मैं इसको प्यार भी कर रहा हूँ और माशाल्लाह से ये देखें, इसके साथ ये बैठा हुआ ऑस्ट्रेलियन और इसके साथ ये बैठे हुए साहिवाल। इनको उठा नहीं सकते अभी, इसलिए ये उठ जाते हैं तो इनका बैठना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो देखें, ये आपको दिखा रहे हैं इसके पीछे भी है, ये देसी और साहिवाल का क्रॉस है, ब्लैक एंड वाइट। ये देखें माशाल्लाह से इसका वज़न, ये वज़न में कम से कम है वाइट और ब्लैक रेड, इसका वज़न है कम से कम अप्रोक्स 12 मन। और जो ये बैठे हुए हैं सामने रेड वाले 2 जोड़ी है ये, इसके 50 लाख रुपये मांग रहे हैं जोड़ी के। और ये जोड़ी में इनका वज़न भी है, ये वाला बहुत ज़्यादा वज़नी है जो देख रहे हैं आप मेरे सामने। ओहो हो, मारता भी है, मसला कर रहे हो? नहीं, टेंशन नहीं लें आप। इसका वज़न माशाल्लाह से है कम से कम 25 मन वज़न है इसका। और ये साहिवाल क्रॉस है। चलें और आगे चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई जान, इसकी क्या मालियात है? इसका मालियात है 3 लाख रुपये। 3 लाख जी। और दांतों में कितना है? 6। और माशाल्लाह से अभी तक कितने पैसे लग चुके हैं इसको? पैसे लग रहे अभी थोड़ा कम लग रहे हैं। कितने लग रहे हैं? 2-3 लग रहे हैं। और इसका वज़न? वज़न 6 मन से भी ऊपर है। 6 मन से भी ऊपर है यार, ज़्यादा लग रहा है। तुम 6 मन बोल लो। 6 मन से भी ऊपर है भाई। मेरे को तो कम से कम माशाल्लाह से इसमें 12 मन वज़न लग रहा है यार। अच्छा 6 मन, भाई का कहना ये 6 मन है और 3 लाख रुपये इसकी डिमांड कर रही है। दांतों में? दांतों में कितना? 6। दांतों में 6। जैसे भाई के खड़े हैं और रज भी लगी है यहाँ पर लोगों की बड़ी कसी तादाद में, देख रहे हैं सारे हंसी मजाक कर रहे हैं, जानवरों के रेट ले रहे हैं। हमारा भी इनका कहना ये अभी तक अच्छे पैसे नहीं मिले हमें जो हम इसको बेच सकें। चलें मजीद और आपको जानवर दिखाते हैं। बहुत शरीफ जानवर है, बहुत मेहनत से पाला है। क्या खिलाते हो बॉस इसको? इसको दाना वगैरह खिलाते। दाने में क्या खिलाते हो? दलिया खिलाते इसको। दलिया तुम खुद नहीं खाते, इसको खिला रहे हो? इनका कहना ये मैं नहीं खाता दलिया, इसको खिलाता हूँ मैं। ओके चले चलें जी, थैंक यू सो मच। चलें जी आ जाए आगे की साइड। चले ग्रुप में ये मेरे दोस्त खड़े हुए हैं। दोस्त क्या आपका नाम? असलम। क्या आपको लग रहा मंडी में आगे? मंडी में तो अभी भाई सिर्फ महंगाई है, तफरी करने आए हैं। क्या रेट मांग रहे हैं? जिस बहुत पैसे मांग रहे हैं। हमारा खुद का भी यहाँ टेंट लगा हुआ है, मरावा कैटल फार्म वाले। अच्छा अच्छा, लेकिन रेट इस टाइम पे सबके आई चल रहे हैं भाई। अच्छा हाँ, वजह क्या है इनकी रेट आई की? वजह इनके पास दिन बहुत है, दिन बहुत है। इनका कहना ये दिन बहुत है, रेट बहुत आई है। खुद मराबा कैटल फार्म से हैं। मैं इमरान खान जब तक अलफ उठाएगा तब्दीली आएगी, उसके बाद सारी सब लोगों की फिर तब्दीली आ जाएगी, नारा भी हो जाएगा। ओके ये इमरान खान जी है। थैंक यू। चलें व्यूवर्स आगे लेके चलते हैं आपको। जैसा कि व्यूवर्स देख रहे हैं ये आपके सामने जानवर खड़े हैं माशाल्लाह से, ये देखें ये भी साहिवाल है और माशाल्लाह से वज़न में बहुत अच्छा है। इसको ये कह रहे हैं प्योर साहिवाल है, माशाल्लाह से कलर झालर वगैरह इसकी बहुत अच्छी है। दांतों में ये कम से कम होगा 6 दांत है, 6 दांत है इसका। वज़न में अच्छा है माशाल्लाह से, कम से कम इसका वज़न होगा 13 से 14 मन का वज़न है। और इसके साथ ये भी खड़ा हुआ है, ये क्रॉस में साहिवाल, प्योर साहिवाल नहीं है ये बेचारे हैं। ये जो आप इसके देख रहे हैं झाग निकल रहा है मुँह से, ये गर्मी करे में गर्मी की वजह से झाग आता है, ज़्यादा बादी वगैरह कुछ भी नहीं है इनको। माशाल्लाह से वज़न में बहुत अच्छे हैं ये भी। और ये इसी का जोड़ीदार खड़ा हुआ है साथ, ये देखें आप माशाल्लाह से कोहान देखें इसका। बस मारो नहीं, मैं यहाँ पर बैठ के मैं बना लेता हूँ। बहुत प्यारा है, शरीफ जानवर है। जैसा कि देख रहे हैं मैं भी जानवर के साथ आज मोहब्बत दिखाऊं, थोड़ी टक्कर मार रहा है, डर भी लग रहा है।
मगर क्या करें, आगे दिखाते हैं आपको। माशाल्लाह ये देखें, इसको कहते हैं चीना। चीने से मुराद ये जो इसके टिप्पे टिप्पे पड़े हुए हैं जिस्म पे, ये चीना बछड़ा होता है। और ये देसी, और मेरे को लगता है ये नहीं, ये प्योर देसी है, इसकी कोई साहिवाल नस्ल नहीं है। जो लोग बोलते हैं साहिवाल साहिवाल साहिवाल, माशाल्लाह से झालर देखें इसकी, और इसका कलर देखें, कलर में भी बहुत अच्छा है। इसकी आँखों के काले टिप्पे देखें, इसकी नोज़ देखें, इसके कान देखें, ये देखें काले, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें बहुत प्यारे जानवर हैं। और ये चोलिस्तानी है, ये चोलिस्तानी है, इसको कहते हैं प्योर चोलिस्तानी। चोलिस्तानी की पहचान, ये छोटा मुंह होता है, छोटे से कान होते हैं इसके वजूद में। देखें आप इसको, इसके साथ भी खड़ा हुआ है चीना बच्चा। और इसकी झालर देखें, ये जो झालर है माशाल्लाह से, ये बहुत अच्छी होती है इसकी। और इसका फेस बहुत क्यूट सा होता है, जैसे टेडी बियर होता है। और जो इसकी कमर है, कमर का साइज़ देखें आप, मैं आपको दिखाऊं कमर इसकी माशाल्लाह से। ये देखें हाइट, हाइट में छोटे होते हैं, और ये गेंदे गेंदे की टाइप की तरह होते हैं। और इसकी ये देखें कमर माशाल्लाह से ऐसी है कि दो बंदे भी बैठ जाएँ मेरे जैसे, तो कम अज़ कम पाँच बैठ जाएंगे, है ना। तो पाँच जब बैठेंगे मेरे जैसे, तो जब भी ये मेरा वजूद के हिसाब से छोटा लगेगा। चलें जी आगे लेके चलते हैं आपको। मूवर जैसा कि देख रहे हैं इसी कैटल फार्म के अंदर, आपको ये बैल दिखाएं, ये माशाल्लाह से बगैर रस्सियों के और बगैर उसके करावा, ये साहिवाल नस्ल है, प्यार भी करते हैं इसको लोग। और ये जो निशान देख रहे हैं आपके, लग रहा है मेरे को इसके सिंह काटे में, और इन्होंने दाग दिया हुआ है सिंह के ऊपर। और इसकी हाइट माशाल्लाह से अच्छी है, मगर ये ऐसा लग रहा है, ये देखें जंप टाइप का बना हुआ है, जिसकी वजह से ये ऊपर लगे जानवर। इसकी हाइट नॉर्मल जानवरों जैसी है, और ताकत और वजूद में बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह से। इसका कम अज़ कम अप्रोक्स 14 से 15 मन वज़न है माशाल्लाह से। दांतों में ये चार दांत है, खूबसूरत है, बहुत क्रॉस हुआ हुआ है। ये साहिवाल और देसी बछड़े से किसी, इसकी माँ जो थी वो साहिवाल थी और बछड़ा भी होता देसी। ये देखें आगे, बछड़े मट्टी भी खाते हैं, अब क्या करें, ये मट्टी इसलिए खा रहा है अपना पेट का हजम करने के लिए। ये देखें आपके सामने ये मट्टी, हालांकि जैसा कि देख रहे हैं हम, आगे आपको दिखाएँ मंडी के बारे में, और चलें अब आपको आगे दिखाते हैं मज़ीद। पर जैसा कि देख रहे हैं नन्नी मुन्नी बच्ची क्यूट सी यहाँ पर आई हुई है मंडी में, और इन्होंने बहुत जानवर देखे हैं। अब इनसे पूछते हैं जानवरों के बारे में। बेटा आपको जानवर कैसे लगे? अच्छे लगे। और कैसे लगे आपको? अच्छे लगे हैं, बहुत बड़े हैं। अच्छा, तो आपका दिल चाह रहा है इनको लेने का? जी महंगे बहुत हैं। चले, बच्ची कह रही हैं इनको बहुत पसंद आए यहाँ के जानवर, और महंगे बहुत बता रही हैं इनकी वालदा। और इनसे पूछते हैं जानवर के बारे में। आपका नाम क्या? दुआ फारूक। दुआ? दुआ फारूक। दुआ फारूक इनका नाम है। माशाल्लाह से क्यूट सी बेबी हैं, और इनको बहुत मज़ा आ रहा है मंडी में घूमने में। आपको सोना नहीं है घर आके? हम लोग रात को सुबह 6 बजे जाएंगे घर। सुबह 6 बजे जाएंगे। इनका कहना ये है मौसम बहुत दिलकश है, और हल्की हल्की सी बारिश और बूंदाबांदी हो रही है। बच्चों का दिल ही नहीं चाह रहा घर आने का, और आज वीकेंड छुट्टियाँ पड़ी हुई बच्चों की। तो बच्चों का कहना यह है कि हम यहाँ पर मंडी में रहेंगे और जानवर देखेंगे मज़ीद। ये इनकी साथ इनकी वालदा हैं, इनसे भी पूछते हैं हम थोड़ा। आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर मंडी में? बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आपको जानवर बहुत मज़े अच्छे हैं, अपना जानवर है, मज़ा भी बहुत आ रहा है। जानवर बहुत अच्छे और महंगे बहुत हैं। महंगे बहुत हैं। आपके लिहाज से कितने तक के जानवर होने चाहिए? अब मैं तो कभी खरीदे नहीं है, देखा है पहली दफ़ा भी, और पहले भी आती रहती हूँ, अभी देख रही हूँ, मगर महंगे बहुत ज़्यादा महंगे हैं। अच्छा, इनका कहना ये है कि गुंजाइश नहीं है, जो गरीब की इतनी गुंजाइश नहीं है, मगर जानवर बहुत प्यारे हैं और बहुत महंगे हैं। और इतने महंगे जानवर हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, पैसों वाले अफोर्ड कर सकता है, मगर यहाँ हमारी आवाम है जो खुश खुश देखती है, अपने दिलों से देखती है, और हर की ये ख्वाहिश है। लोगों का कहना ये तब्दीली आएगी तो जानवर सस्ता होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच आंटी। चलें व्यूवर्स आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं दूसरा कैटल फार्म। तो व्यूवर देख, जैसा कि देख रहे हैं माशल कैटल फार्म में आ चुके हैं, और ये देखें इसके साथ ब्लैक बछड़ा लेकर आए हैं, ब्लैक कलर का, इसको कहते हैं प्योर ऑस्ट्रेलियन। ये पूरा प्योर ऑस्ट्रेलियन बछड़ा है, कलर में देखें और इसकी हाइट देखें माशाल्लाह से, इसकी जान देखें माशाल्लाह से। आप इनके जो मालकान हैं और जो उनके नौकर हैं उनसे पता करते हैं हम इसकी क्या मांग रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या नाम है भाई आपका? अली अहमद। अली अहमद। अली अहमद भाईजान कितने दांत है? दांत हाजी साहब ही बताएगा आगे। हाजी साहब आपको नहीं पता कुछ कुछ प्राइस के बारे में नहीं पता? चले जी, इनका कहना ये हमारे सेठों को पता है इसके प्राइस के बारे में और इनके दांतों के बारे में। ये प्योर ऑस्ट्रेलियन है। हाँ। और इसके बराबर वाला
इसको नुकरा कहते हैं हमारे यहाँ के लोग, नुकरा देसी नुकरा कहते हैं इसको। ये पूरे इसकी खासियत ये होती है, इसकी पूरी वाइट होता है पूरा, इसके कान भी होते हैं, पलके भी देखे इसकी वाइट होती है, इसकी आँखें लाल होती हैं और इसकी नाक है जो ये पूरी वाइट होती है, इसको नुकरों में कहते हैं। और इसकी खासियत ये है लोग इसको बड़ा लाइक करते हैं और इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा होती है। कम से कम इसके ये मांग रहे होंगे कम से कम 15 लाख रुपए मांग रहे होंगे। पैसे क्या भाई जान, ये कहते हैं हाजी साहब को पता है, मगर आप देखें इसकी खूबसूरती देखें, इसको किस तरीके से सजाते हैं यहाँ के लोग, ये भी देखें इसका सजावट देखें आप इसकी, ये देखें इसकी, ये आपको दिखा रहे हैं हम, इसका साइज़ दिखा रहे हैं माशाल्लाह से। ये थोड़ा नुकरा है अभी, इसका इतना वज़न नहीं है, अगर इसको रोका जाए और ये कम से कम 6-8 दांत पर आएगा तो वज़न करेगा, जिस तरीके से ये 7 वाला ब्लैक वाला करा हुआ है। जैसा कि व्यूवर थे मैंने आपको बताया कि ये 6 दांत पर जब आएगा तो इसका वज़न ऐसा हो जाएगा माशाल्लाह से, वो तो ऑस्ट्रेलिया ने, इसका गोश में भी ज़्यादा होगा और वज़न में भी ज़्यादा और हाइट में भी लंबे होते हैं ये। इसकी हाइट देखें माशाल्लाह से और लेंथ देखें इसकी, मेरे ख्याल से इसकी कम से कम 7.5 फीट हाइट लेंथ होगी और हाइट में माशाल्लाह से ये अप्रोक्स है कम से कम 5 से ऊपर ही है। और ये देखें इसकी बनिस्बत इसका वजूद देखें आप, ये वजूद में छोटा है अभी और हाइट में भी छोटा और लेंथ में भी छोटा। इसको मिट्टी के टेले बनाए जाते हैं, मिट्टी के टेले इसलिए बनाए जाते हैं कि अट्रैक्ट करे लोगों को कि इसकी हाइट बहुत ऊंची है और बड़ा बड़ा लगे जानवर। ये देखें इसके सामने बगैर मिट्टी के नीचे खड़ा हुआ है जानवर और इसकी हाइट और इसकी हाइट बिल्कुल सेम है। तो व्यूअर्स अभी आपको और दिखाते हैं हम इसी कैटल फार्म के, माशाल्लाह कैटल फार्म के जानवर। ये देखें आप, ये ज़रा दिखाएं इनको, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, एक से एक ब्यूटी जानवर है और एक से एक खूबसूरत जानवर पाकिस्तान में पाया जाता है और बड़ी मेहनतों से पाला जाता है। इनका कहना ये है और इनका कहना ये भी है, जो लोग यहाँ पर आते हैं ज़्यादातर ऐसी तफरियाँ लेने आते हैं, ये देखें कैट वॉक करा रहे हैं, कैट वॉक दिखाएँ, कैट वॉक इसको कहते हैं यहाँ पर कैट वॉक, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये सिर्फ कैट वॉक इधर ही होती है। ये देखें कैट वॉक दिखा रहे हैं आपको, ये देखें ये कैट वॉक कर रहे हैं, इसको भगा के दिखा रहे हैं क्या कि इनका थोड़ा आजमा रहे और अच्छे रहें। ये देखें जानवर, मुख्तलिफ जानवर यहाँ पर, हर नस्ल के जानवर बैठे रहते पाए जाते हैं पाकिस्तान के अंदर और बहुत खूबसूरत जानवर पर व्यूअर्स, ये मेरे सामने बछड़ा खड़ा हुआ है, इसकी खूबसूरती देखें माशाल्लाह से। पाकिस्तान में इतने खूबसूरत जानवर होते हैं, हम आपको दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान की खूबसूरत और ब्यूटी के बारे में कि जानवर किस तरीके से पाले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में जानवर नहीं, जानवर एक से है कि माशाल्लाह, कलर में भी देखें आप, खूबसूरती में भी देखें। इसको कहते हैं दोगला, दोगले से मुराद ये है कि ऑस्ट्रेलियन और देसी कोई अच्छी गाय का जो मेल कराते हैं और उसके हिसाब से ये जानवर बनाया जाता है और अच्छी माँओं के बच्चे लोग पालते हैं। जैसे ये अच्छी माँ का ब्रीड थी और माशाल्लाह से इसकी माँ और इसका बाप बहुत अच्छा था, जिस और लेने वालों ने इसको ले लिया, वो इसलिए ले लिया। इसका कलर देखें, इसकी टांगें देखें, इसका वजूद देखें आप, माशाल्लाह से कितना प्यारा बना ये। तो ये चीज़ देखी जाती है जब बच्चा लिया जाता है तो ये चीज़ें देख के ली जाती हैं कि इसके पैर कैसे हैं। इसके देखें अगले पैरों में दोनों वाइट डब्बे हैं और पिछले हाफ हाफ वाइट हैं। पीछे नाफ देखें इसकी कितनी बड़ी है और ये देखें माशाल्लाह से इसकी झालर देखें आप, कुछ नहीं कहता ये, बहुत प्यारा है मेरी तरह, जैसे मैं प्यारा हूँ, जैसे प्यारी प्यारी वीडियो आपको दिखा रहा हूँ मैं। चलें आगे चलते हैं, आगे दिखाते हैं आपको। ये देखें ये देखें ये देखें ये आ गए, इसको कहते हैं लाल नुकरी, ये नुकरा है, नुकरी है ये, नुकरा है ये भी बछड़ा है जी, ये बहुत अच्छा बछड़ा है, अभी तो बैठा हुआ है। खैर इनको तंग नहीं कर सकते, यहाँ के मालकनों का कहना है ये थक जाते हैं बेचारे, इनको बैठा रहने दें, जब कोई पार्टी आती है तो उसको खड़े करके दिखाते हैं माशाल्लाह से। ये देखें ये चोलिस्तानी क्रॉस है, ये चोलिस्तानी क्रॉस है, मार रहा है भाई ये तो, मारता है, मार ना मत मारो, ये मेरे को मार रहा है इसलिए मैं पैंट शर्ट पहना हूँ, देहाती हूँ नहीं जी, अगर मैं देहाती होता तो ये मैनू समझता कि कितना प्यारा है। ये देखें कैसे मारता है मैनू, मारो नहीं, बात करोगे मेरे से नहीं, ये गुस्से में ये बात नहीं करेंगे, नाराज़ हुए मैं ये। अच्छा व्यूवर्स मैं आपको बता रहा था, ये जैसे कि आप ये देख रहे हैं ये बछड़ा माशाल्लाह से इतना वजन में नहीं बना, खूबसूरत है, इसका पेट निकल गया, अगर ये इसको सरसों का तेल पिलाते तो इसका पेट भी कम होता और ये फिट भी रहता और इसकी बहुत अच्छी बॉडी बनती जैसे इसके साथ वाला बना हुआ था। अब आपको दिखाते हैं चोलिस्तानी, ये लाल बछड़ा खड़ा हुआ है आपके सामने नज़र आ रहा होगा माशाल्लाह से, ये साहिवाल और उसका ऑस्ट्रेलियन का क्रॉस है, ऑस्ट्रेलियन को कहते हैं। ये देखें ये भी ऑस्ट्रेलियन है, ये बैठा हुआ, ये भी दोगले हैं, सारे दोगली नस्लें हैं। अगर ये प्योर ऑस्ट्रेलियन होता तो इसके कान छोटे होते, कान ऑस्ट्रेलियन की मैं आपको पहचाने बताऊंगा अभी कि किस तरीके से ऑस्ट्रेलियन की पहचान को पता लगता है कि ऑस्ट्रेलियन प्योर कौन सा और दोगला कौन सा है।
दोगले और ऑस्ट्रेलियन में फ़र्क, दोगला उसको कहते हैं जो ऑस्ट्रेलियन से और देसी से क्रॉस हुआ हुआ हो। ये देखें इसके कान और इसके पीछे की हाइट देखें, और इसका कुहान आ गया है। मारता तो नहीं, मार रहा है भाई, नहीं मारता करेगा, प्यार क्या करेगा, डरता थोड़ी हूँ मैं इनसे। ये देखो प्यार से पेश आओगे तो प्यार करेगा, लड़ोगे तो मारेगा तुम्हें ऐसे। मार नहीं सकता ना, ये देखो मैंने करा तुम्हारे साथ, इसने मारा और मैं इसके प्यार करूँगा तो कुछ भी नहीं करेगा, बस ये बोलेगा और खुजाओ। हाँ अभी वर्ष में आपको बता रहा था, ये देखें कान देखें इसके और ये कुआन, ये होती है दोगले की पहचान। अगर इसका ये फ्लैट होता बिल्कुल सीधा होता और कान छोटे होते तो प्योर ऑस्ट्रेलियन होता। और माशाल्लाह से चले आगे दिखाते हैं हम आपको दूसरा कैटल फार्म। नहीं भाई कोशिश में लगे हैं, लगे घूम। आपके क्या आपको लग रहा मंडी में आ गया? यार वो लग रहा कोई हार रखने नहीं दे रहा बस। क्यों, क्या डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं लोग? और क्या डिमांड, बहुत लग रहा है, बहुत डिमांड है, बहुत डिमांड है। वजह भैया महंगाई हो गई है, हर चीज़ महंगाई हो गई है, हर चीज़। मतलब जो जानवर हम दो ढाई में लेके जाते थे आज वो जानवर 5-5.5 लाख रुपए बोल रहे हैं। इनका कहना ये जो 2-2.5 में लेके आते थे, इस साल इनको 5 लाख रुपए में जानवर मिल रहा है और बता रहे हैं महंगाई बहुत ज़्यादा है। और लोग अभी टाइम भी बहुत पड़ा हुआ ईद में, तो इनका दिल भी नहीं चाह रहा बेचने का और लोगों को दिखाना भी इनको थोड़ा। तो यहाँ के बेचारे लोग बहुत परेशान हैं, अभी देख रहे हैं। इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा, हमारी दुआएं आपके साथ, अल्लाह से उम्मीद। इंशाल्लाह आपको आज इंशाल्लाह बछड़ा मिल जाएगा और दुआओं में याद रखिएगा इंशाल्लाह। हाथ चला दें हमारे चैनल के साथ, थैंक यू सो मच। चलें व्यूवर्स आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं। व्यूवर्स जैसे कि मैंने बताया था आपको, दूसरे कैटल फार्म में आए हैं आज हम। आप दोबारा दूसरे कैटल फार्म में आए हैं, सिंध डेयरी एंड कैटल फार्म में, जो कि आपको मैं आपको दिखाने के लिए लाया हूँ। ओरिजिनल ऑस्ट्रेलियन विलैती, जिसको यहाँ पर पंजाबी में कहा जाता है विलैती दान, ये दान है हमारे सामने बैठा हुआ है विलैती। इसके कान देखें आप बिल्कुल छोटे, और इसके पैरों का साइज़ देखें, इसमें कुहान नहीं होता। ये देखें इसकी गर्दन स्ट्रेट है, फ्लैट बिल्कुल, और इसके ओरिजिनल प्योर ऑस्ट्रेलियन इसको कहा जाता है विलैती दान। ये देखें इसके कान बिल्कुल छोटे छोटे से कान हैं इसके, माशाल्लाह से बहुत प्यारा है, बहुत शरीफ सा जानवर है। ये होते भी बहुत शरीफ हैं, कुछ कहते नहीं हैं, मालिकों से और सब बच्चों से बहुत फ्रेंडली होते हैं, मारते नहीं हैं माशाल्लाह से। इसकी हाइट बहुत बड़ी है, ये देखें हाँ मैं इसका वजूद, इसके साथ भी बैठा हुआ, उसके भी देख सकते हैं आप कान का। यहाँ बोले हुए इसके छोटे नहीं हैं और बराबर वाले के बड़े। ये देखें इसके भी माशाल्लाह से, इसके कान दिखाओ, ये देखें कान इसके, ये प्योर ऑस्ट्रेलियन है, जिसको कहते हैं पंजाबी विच हमारे यहाँ पर मेरे दोस्त पंजाबी में कहते हैं इसको विलैती दान। दान उसको कहते हैं जो पूरा 6 दांत हो जाता है और बड़े हाइट हो जाती है जिनकी, और वजूद में बड़े होते हैं। ये पलते ही बड़े हैं जब 6 दांत होते हैं, जब अपना वजूद निकालते हैं ये जानवर। और इसके पीछे वो नुकरा खड़ा हुआ है उसको, ये है बेसिकली मुल्तान का एक ब्रीड है जो यहाँ पर निकालते हैं, क्रॉस कराते हैं इसको, और क्रॉस में ये निकलती है चीज़ आपके सामने आती है। जैसे आप देख रहे हैं इसकी हाइट और इसकी लेंथ देख रहे हैं, माशाल्लाह से बहुत प्यारा है, ये खूबसूरत है। और ये मारता है, ये मेरे को मना कर रहा है कि मेरे पास नहीं आओ नहीं तो मैं आपको मारूंगा। माशाल्लाह से चीज़ देखें कितनी खूबसूरत और कितनी प्यारी है। ये हम आए हैं सिंध डेयरी एंड कैटल फार्म वाले, माशाल्लाह से बहुत प्यारे जानवर हैं इनके। और माशाल्लाह से ये देखें पीछे से, देखें इसको पीछे से, और इसी के साथ एक और ये बैठा हुआ है, ये चोलिस्तानी का क्रॉस है, नुकरा है ये भी, मगर इस नुकरे और उस नुकरे में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो मुल्तान का खिलाता है और वो देसी अच्छी नस्ल से उसको ब्रीड कराया जाता है, और उसमें ये रिज़ल्ट आता है आपके सामने ब्रीड का। ये देखें ये ऑस्ट्रेलियन बैठा हुआ है आपके सामने, इसको कहते हैं दोगला, ये प्योर नहीं है, ये दोगला, ये देसी और ऑस्ट्रेलियन का क्रॉस है विलैती का। ये देखें चीज़ वही होती है, सिर्फ इसमें फ़र्क क्या आ जाता है, इसका कुहान आ जाता है और इसके कानों में जो आता है फ़र्क आता है। अब ये देखें ये बच्चे बैठे हैं इनके पास ऑस्ट्रेलियंस के, ये यहाँ पर विलैती जिनको कहते हैं। मैं आपको विलैती की पहचान बता रहा हूँ कि विलैती दान होते कैसे हैं। वो दान था, ये बच्चा है अभी, ये बच्चा है अभी, 2 दांत पर है। इसके कान देख सकते हैं आप, इसका वही देख सकते हैं कुहान वाला हिस्सा, बिल्कुल फ्लैट है, गर्दन बहुत मोटी है हाइट में माशाल्लाह से, देखें चीज़ वही है बिल्कुल। इसके साथ बैठी हुई वो, उसके भी कान देख सकते हैं आप। ये ब्रीड हम मिक्स करके निकाल लें यहाँ पर, तो ये कलर बहुत अच्छा निकल रहा है यहाँ पर, और माशाल्लाह से बहुत अच्छे खूबसूरत हैं। ये डर रहे हैं हमारे कैमरे से और हमसे, इसलिए हम पैंट शर्ट पहन कर आए हैं। ये पलते हैं डेयरी फार्मों के अंदर, तो वहाँ पर तो आपको पता है कि कपड़े भी नहीं होते और बस धोती में और शलवार में पहने होते हैं। इसके साथ ये देखें
माशाल्लाह से कितना प्यारा, पूरा वाइट है सर इसका, वो है छोटा सा और ब्लैक हेड है इसका। ये खूबसूरती देखी आती है यहाँ पर, यहाँ पर लोगों का कहना है ये जानवर खूबसूरत हो पैसों का मसला नहीं है, पैसों में ले लेंगे। बाकी आप इसका विज़िट कर सकते हैं सारे जानवर का। ये चीता प्रिंट के ऑस्ट्रेलियन जानवर आपको दिखाऊँ मैं, चीता प्रिंट में जो आते हैं यहाँ पर, इसको रत्ता डब्बा कलर कहते हैं यहाँ पर, ये रत्ता कलर में। ये देखें ये सारे ये क्रॉस में निकाले में, ये प्योर क्रॉस क्रॉस हैं माशाल्लाह से, बहुत प्यारे हैं। ये देखें कुछ भी नहीं कह रहे बैठे में तो अभी, बहुत प्यारे हैं, खड़े होने के बारे में कुछ नहीं बताते। ये ओरिजिनल है इसका, और ये इसका अब मैं आपको दिखाऊं। ये देखें व्यूअर्स, ये जो मेरे सीधे हाथ पे बैठा हुआ है जो पंजाबी में कहते हैं दाएं हाथ, दाएं हाथ में इसका देखें कान बिल्कुल फ्लैट है और इसके कान बहुत छोटे हैं, और बाएं हाथ में मेरे देखें इसका कान आ गया, कलर वही आ गया और कान बड़े आ गए इसके। ये क्रॉस हुआ हुआ है इस बुल से किसी देसी गाय से, और ये देखें इसमें ये फ़र्क होता है क्रॉस ब्रीड के अंदर। चले मैं आगे और दिखाता हूँ, इधर माशाल्लाह से जानवर बहुत अच्छे हैं। ये देखें ये प्योर ऑस्ट्रेलियन बछिया खड़ी हुई है, बछिया तो नहीं कह सकते इसको, गायें हैं। इनको टीके लगा के थन सुखा देते हैं, और इनका वजूद की वजह से यहाँ पर कहते हैं फिर ये कि ये बछिया है। ये देखें आप इसके थन देख सकते हैं, थन दिखाओ, और ये इनकी खातिरदारी हो रही है जी, बहुत प्यार से इनको खदमतें कर, जब जाके जानवर ऐसा बनता है। ये देखें आपके सामने, इतनी मालिश ही अपनी खुद की नहीं करते जितनी ये जानवरों की करते हैं, इस लिहाज से इनका पैसा है। और प्लस लाइटिंग देख सकते हैं आप, और सफाई देख सकते हैं आप इनकी। ये गर्मी इसलिए कर रही है, एक तो यहाँ पर लाइटों का ज़्यादा वो है रुझान, और मालिश देखें किस तरीके से करते हैं। ये देखें ये जी इस तरीके से मालिश होती है, कपड़े को दबा के रगड़ के करते हैं, क्या कि इनके खाल पर शाइन आए और सारी मट्टी उतर जाए। और इनको भी बहुत आदत है अपनी मालिशें कराने की, शायद मैं जाऊँ तो अपना मुँह हिलाएगी ये, नहीं कर, ये मेरे से डर रही है और भाई से भी प्रॉब्लम कर रही है, तो मैं आपको दूर से दिखा रहा हूँ इसलिए, क्या कि उनके काम में डिस्टर्बिंग नहीं आए। चलें व्यूवर्स आगे चलते हैं दूसरे कैटल फार्म की जानिब, और आपको दिखाते हैं मज़ीद और जानवर। व्यूवर्स जैसा कि देख रहे हैं आप, जानूर कैटल फार्म पर आ चुके हैं हम, और अंदर आपको जानूर कैटल फार्म के जानवर दिखाते हैं आपको। और यहाँ पर भी माशाल्लाह से बहुत, यहाँ पर नायाब इसलिए आपको नुकरियाँ नज़र आ रही होंगी, मेरे लेफ्ट हैंड पर देखें आप, ये नुकरी बछड़ियाँ हैं सारी, दो नुकरियाँ हैं आगे देसी हैं, और फिर उससे आगे एक नुकरी है, और एक सूरजमुखी भी इसमें है, और रेड नुकरी भी है इसमें जिसको लाल नुकरी कहा जाता है। और ये देखें देसी बछड़े माशाल्लाह से, इनकी हाइटें देखें, जाने देखें, वजूद में देखें, ऐसे बछड़े मैंने कभी देखे नहीं हैं जिस तरीके से ये पालते हैं। और लोग यहाँ पर इनके पैसे इनको बड़े कम लगाते हैं, लोग कहते हैं ये बछड़ा हमें मिलना चाहिए 2.5 लाख रुपये में, मालिक कहता है इसने 2.5 लाख रुपये का तो दाना भी निकाला हमारे पास। ये देखें मैं आपको दिखा रहा हूँ खूबसूरती से, खूबसूरती देखें पाकिस्तान में जानवरों की मेरे वीरों। ये देखें ये नुकरे का क्रॉस देसी में आया हुआ है लाल नुकरे में, और इसके साथ ये वाइट नुकरा बछड़ा है वो सामने नज़र आ रहा है, दांतों में माशाल्लाह से आर्ट हो गया है। और इसका कुहान देखें, और इसकी माशाल्लाह से खूबसूरती देखें। ये भरम नस्ल यहाँ पर लोग बोलते हैं, भरम नस्ल का लोगों को पता नहीं है दरअसल में भरम नस्ल क्या है, भरम नस्ल अभी है नहीं यहाँ पर, यहाँ पर है तो बहुत कम लोगों के पास है, वो ब्रीड नहीं कराने देते। ये थोड़ा सा भरम का वो शेड मार रहा है जिस तरीके इसका फेस बड़ा आ रहा है और कान थोड़े से लटक रहे हैं, भरम नस्ल में फेस बड़ा होता है और इसके कान थोड़े लंबे होते हैं, इसके कान बाकायदा आप देख सकते हैं थोड़ा सा टच दे रहा है, जिस तरीके से भरम का नस्ल का जानवर अपने कान नीचे रखता है। और इसके सामने भी देखें आप, ये चोलिस्तानी से क्रॉस हुआ हुआ, इसका छोटा सा फेज़ है, इसकी पहचान ये चोलिस्तानी की, ये छोटा फेज़ हो वजूद में छोटा होता है, गहने होते हैं खूबसूरत से होते हैं, और वजूद देखें आप इसका कितना बड़ा है माशाल्लाह से। ये देखें बछड़ा, ये देखें बेचारे, ये वाइट नुकरा है बहुत प्यारा। चलते हैं व्यूवर्स आपको दिखाते हैं अपने बैक साइड पे, ये वही ऑस्ट्रेलियन के बारे में जो मैं आपको बता चुका हूँ, फिर दोबारा देख सकते हैं आप। ये भी आप इसको प्योर ऑस्ट्रेलियन नहीं कह सकते, ये भी दोगला है। इसके कान देख लें और इसके कुहान देख लें, सारे देखें दोनों साइड में खड़े हुए, और माशाल्लाह से ये भी भाई खड़े करके दिखा रहे हैं अपने जानवर। जानूर कैटल फार्म के हैं, जिसको चाहिए रब्ता कर सकते हैं इनके सोहराब गोठ में आके, बहुत खूबसूरत और वजनी जानवर है इनके पास कसी तादाद के अंदर। आप ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये देखें लाल नुकरा है इसको कहा जाता है यहाँ के लैंग्वेज में। माशाल्लाह से वजूद देखें इसका, इसकी जिसामत देखें, जान देखें, हाइट देखें, हर लिहाज से बेहतर है। मगर आपको एक चीज़ मैं फेमस बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर आज, जो के लोग नहीं बता पाते। एक तो मैंने आपको ऑस्ट्रेलियन की पहचान के बारे में बता दिया है कि प्योर
ऑस्ट्रेलियन क्या है और देसी में फ़र्क क्या है और दोगली में क्या फ़र्क है, और ये देखें टेले बनाए हैं मिट्टी के, इनके ऊपर बड़े शौक से बैठते हैं, ये टेले इसलिए बनाए जाते हैं शौक से बैठे हैं, जानवर खूबसूरत सा लगे, बड़ा बड़ा सा लगे, लंबा लंबा सा लगे, हाइट में ऊंचा लगे, जब इसको टेले से नीचे उतार देंगे तो ये मेरे से भी नीचे हो जाएगा, आप देख सकते हैं। ये देखें इसमें सिर्फ इसका माथा सफ़ेद आ गया और थोड़ी सी झालर में सफ़ेदपन आ गया है, पूरा ब्लैक आ गया है, है वज़न में अच्छा मगर खूबसूरती में वो बात नहीं है इसमें जो होनी चाहिए। अब आपको ये दिखाएं बछड़ियाँ, ये बछड़ियाँ हैं इधर की माशाल्लाह से, बछड़ियाँ भी बहुत वज़नी होती हैं, खैर ये तो कम वज़न वाली बछड़ियाँ हैं, मैं आपको इस वीडियो में और बड़ी बछड़ियाँ भी दिखाऊँगा। ये देखें आप, इसको कहते हैं नुकरी बछड़ियाँ, ये कुछ नहीं कहती हैं, बहुत शरीफ होती हैं, बहुत प्यारी होती हैं, ये प्योर चोलिस्तानी नुकरी वाइट बछिया है, इसको नुकरा कहा जाता है यहाँ पर, नुकरा इसकी मुराद ये है, यहाँ पर लोगों का कौन से भी है पूरा वाइट है तो नुकरा, नुकरे में भी बहुत क्वालिटी है, नुकरे में देखें आगे इसकी होंगी नाक ऐसी ब्राउन होगी, छोटा सा फेस होगा, वजूद में गोल मटोल सी छोटी सी होंगी, खुर इसके देखें पूरे ऐसी होंगे जैसे इसकी नोज़ है, ऐसे सिंग होते हैं इसके, और पीछे दुम भी पूरी वाइट होती है, आप ये देख सकते हैं इसकी खूबसूरती का राज, इसको आप आंखें बंद करके कह सकते हैं कि ये नुकरी बछिया है, बछिया से दूर ही रहना चाहिए, लात मारती है, जैसे लड़की को छेड़ो तो चांटा मारती है तो बछिया लात मारती है। चलें व्यूवर्स आगे दिखाते हैं आपको और बछिया, अब ये देख सकते हैं आप व्यूवर्स, ये लाल कलर की बछिया खड़ी हुई है, इसको हम यहाँ पर नुकरा कहते हैं, रत्ती नुकरी है, वो रत्ती से मुराद ये लाल कलर की है, तो इसको रत्ता कलर कहा जाता है यहाँ पर हमारे पंजाबी में, माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत है, इसका भी देखें छोटा सा फेस है, ये झाला रहे कुछ भी नहीं कहती है, और इसकी नोज़ देखें लाल ही होगी, लाल ही आँखें होंगी इसकी, और इसके खुर की पहचान बताऊँ देखें जैसा इसका कलर है ऐसी खुर है, ये देखें आप, देख सकते हैं आप खुर भी इसके, हाइट में देखें इसकी, ये चौड़ान देखें इसकी कमर की, माशाल्लाह से बहुत प्यारी है। ये देखें ये नॉर्मल देसी बछड़ी है, पाली भी अच्छी है, नॉर्मल ब्रीड है, कोई इतनी वो नहीं है, सिर्फ वाइट कलर में अपना वज़न निकल गई, हाइट निकल गई तो उन्होंने भेज दें। इसके साथ ये देखें एक और वाइट नुकरी, ये सूरजमुखी है, इसकी आंखें लाल हैं, इसको दिन में नज़र आता है, वो सॉरी रात में, दिन में नज़र नहीं आता इनको, जैसे पूरे वाइट होती हैं, ये देखें पूरी वाइट है, कुछ भी नहीं कहती हैं ये, माशाल्लाह से इसकी कमर देखें और इसकी साइज़ देखें आप बछिया का। भाई जान क्या पैसे हैं इसके? 5.5 लाख। 5.5 लाख रुपये मांग रहे हैं। दांतों में कितनी है भाई? ये 4 हैं। दांतों में 4 दाँत है, 5.5 लाख रुपए मांग रहे हैं। और मजीद माशाल्लाह से आपके बहुत अच्छे जानवर हैं, हमने अपनी वीडियो में भी लिया, अपने चैनल में भी लिया है आपको, कलरफुल बर्ड्स एंड एनिमल्स के अंदर आपको आज हमारी टीम सर्वे करने आई हुई आपको ये जानवर के बारे में। और ये बच्चे कितने दांत है बॉस? इसके भी 4 हैं भाई। इसके 4 दांत है। नस्ल कौन सी है बॉस? ये नस्ल का भाई हमें नहीं पता, पहली नस्ल मेरे को तो लग रहा है ये क्रॉस हुई हुई है ऑस्ट्रेलियन से और देसी से, इनका कहना ये है नस्ल का नहीं पता, मगर माशाल्लाह से इनके जानवर बहुत खूबसूरत हैं। व्यूवर्स आप देख सकते हैं जिस तरीके से हम यहाँ पर आए हैं जान नूर कैटल फार्म के अंदर, और आपको बछड़ियाँ भी दिखाई हैं इनकी, और बछड़े भी देखें आपने जिस तरीके से ये जोड़ी बनी हुई है इनकी, इस जोड़ी को आपको दिखाते हैं, ये जोड़ी लाजवाब जोड़ी है, बहुत प्यारी हैं, बछड़ियाँ होती हैं बड़ी, मगर ये इन कलर में नुकरियों में इनका साइज़ ही यही होता है और खूबसूरती भी यही होती है। मैं आपको दिखा रहा हूँ इसका कुहान, देखें इसके साथ वाली बछिया का कैसा है माशाल्लाह से, इधर से आगे देखें आप, अगर आप इधर से आगे दोनों जोड़ी देखेंगे तो आपको फ़र्क खुद नज़र आएगा। ये देसी से क्रॉस है, ये वाली देसी से क्रॉस हुई हुई है, ये प्योर चोलिस्तानी है, चोलिस्तानी नुकरी कहते हैं इसको, छोटा सा मुँह है, झालर देखें, इसका कुहान देखें, इसकी कमर देखें, इसको देखें, ये तो बोलिए मैं हाथ भी खा जाऊँगी तुम्हारा आज, हाथ खाओगी जमाई खाओगी, बोलो कितने दाँत हो आप? 2 दाँत बता रही हैं जी। चलें जी व्यूवर, जैसा कि देखा आपने जान नूर कैटल फार्म के जानवर, माशाल्लाह से भी आपको यहाँ पर ऐसा लग रहा होगा खाली खाली है, इनका कहना ये है अभी हम बंद कर रहे हैं, इंशाल्लाह सुबह खोलेंगे, थोड़ा जानवर रेस्ट कर लें हमारे, क्या क्या थकावट नहीं हो इनको। जान नूर कैटल फार्म के जितने भी आपको जानवर दिखाए, इनके जो लोग हैं यहाँ पर, इनसे बात करते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम बॉस, आपका नाम? अयाज अली भाई ने हमें जानवर दिखाए, माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत जानवर लगे आपके, बहुत अच्छे लगे हमें, और माशाल्लाह से जानवर भी बहुत अच्छे हैं आपके। आप कहाँ जा रहे हैं भाई? आप नाराज़ नहीं हो? आपका भी मैं लेता हूँ भाई जान। अभी तक आपको कोई ऑफ़र वगैरह आया आपको जानवर का, आपको कैसा लगता है मंडी में कि इंशाल्लाह आपके सारे जानवर बिक जाएंगे? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप किस गांव से आए हो भाई जान? मैं गोटकी से आया, सक्कर से। गोटकी से आए हैं सक्कर से, माशाल्लाह से वहीं पर ही फार्म पे पाले हैं आप अपने? नहीं, ये कराची का फार्म है। अच्छा, ये कराची का फार्म है। कराची पाकिस्तान का शहर है जो सबसे बड़ी सिटी कहलाती है यहाँ पर,
बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के, और ये माशाल्लाह से गोटकी के लोग हैं, ये भी हमारे जानने वाले लोग हैं और बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत कोऑपरेट किए उन्होंने, अपने एक एक जानवर उठा के दिखाया और एक एक जानवर के बारे में बताया। हमारा कलरफुल बर्ड्स एंड एनिमल्स का चैनल को और लाइक करें और कमेंट्स दें, जितना कमेंट्स देंगे इंशाल्लाह हम उससे अच्छी अच्छी वीडियो आपको पेश करेंगे और हर चीज़ के बारे में नॉलेज देगा आपका ये दोस्त खतरनाक फराज कभी धोखा दे ही नहीं सकता। क्यों भाई? अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया बॉस, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ ताउन किया और अपने जानवरों के बारे में बताया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।